उत्तर प्रदेश में एसपी में जारी घमासान के बीच बिहार की तर्ज पर महागठबंधन बनाने की कोशिशें तेज हो गई है। शिवपाल यादव आज चौधरी अजीत सिंह से उनके घर मिलने पहुंचे। शिवपाल यादव ने बताया कि वो 5 नवंबर को लखनऊ में होने वाले एसपी के रजत जयंती समारोह का निमंत्रण देने के लिए उनसे मिले थे। इसे लोहियावादी ताकतों को एकजुट करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि यूपी में सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए सबको आगे आना चाहिए। आपको बता दें कि इस कोशिश में कल शिवपाल यादव ने जेडीयू के नेता केसी त्यागी से भी मुलाकात की और फिर रात में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव से मुलाकात की। वहीं मुलाकात के बाद केसी त्यागी ने कहा कि शिवपाल यादव ने नीतीश कुमार से बात की है, हम चाहेंगे कि बिहार की तर्ज पर समान विचारधारा वाले लोग एक साथ आए। मुझे खुशी है कि मुलायम परिवार के अंदर से गठजोड़ की बात उठ रही है। अगर बातचीत होती है तो हम इस दिशा में सकारात्मक कदम आगे बढ़ाने को तैयार हैं। आपको बता दें कि 5 नवंबर को समाजवादी पार्टी रजत जयंती मना रही है और मुलायम सिंह 25 साल के जश्न को एक राजनीतिक मंच बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन से हाथ खींचकर पहले ही समाजवादी पार्टी अलग थलग पड़ गई थी। जाहिर है कि बहाना 25 साल के जलसे का है, लेकिन मुलायम और शिवपाल अब गैर बीजेपी और गैर बीएसपी दलों को जोड़ने की कवायद में लग गए हैं। देखते रहिए टीवी लाइव।